given from the following information and receipt and payment account of Delhi Medical Society. ध्यान ना, हमें receipt and payment account किसका दे रखा है? Delhi Medical Society का. ठीक है, receipt and payment account दे रखा है Delhi Medical Society का. कह रहा है prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. ठीक है, हमें 31st March 2019 का income and expenditure account बनाना है. ठीक है, यानी current year हमारा क्या होगा? 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2019 पे खत्म होगा. ठीक है, और कह रहा है एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, और उसी दिन की बैलेंस शीट बनानी है. ओपनिंग बैलेंस शीट बोला नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है ओपनिंग बैलेंस शीट हमें बनानी ही पड़ेगी. क्यों? क्योंकि कैपिटल फंड पता करना पड़ेगा. ठीक है जी, उसके बाद कह रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019. ठीक है जी, दे रखा है हमें क्वेश्चन में. सबसे पहले देखा टू बैलेंस बीडी कितना है, 31,900. टू बैलेंस बीडी 31,900. अब बैलेंस बीडी दे रखा है, ये कैश मानो या बैंक मानो, कैश का बैलेंस है या बैंक का बैलेंस है, तो कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है. कैश भी मान सकते हो और बैंक भी मान सकते हो. ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड में. ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, चाहे कैश मान लो चाहे बैंक मान लो. उसके बाद एंट्रेंस फीस 5500. एंट्रेंस फीस 5500 रेवेन्यू नेचर की रिसीट है, कहाँ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में. कोई एडजस्टमेंट दे रखी होगी तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे. ठीक है, सब्सक्रिप्शन 1,80,000 रुपये रेवेन्यू नेचर की इनकम है, कहाँ जाएगी? इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में. कोई एडजस्टमेंट होगी तो अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट देख लेंगे. अच्छा, लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल रिसीट है, कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में. ठीक है, और गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट दे रखी है लेकिन क्या लिखा है? पोलियो एरेडिक्शन प्रोजेक्ट. ठीक है, 2,00,000 रुपये. अब क्यों ये स्पेसिफिक है, ध्यान रहा है, ये जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है स्पेसिफिक काम के लिए मिली है. गवर्नमेंट से जो हमें सहायता मिली है, फंड मिला है, गवर्नमेंट से जो पैसा मिल रहा है पोलियो एरेडिक्शन प्रोजेक्ट के लिए मिल रहा है, यानी उसका उन्मूलन, उसको ख़त्म करने के लिए, पोलियो का जो बीमारी है उसको, उसके ख़त्म करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसके निवारण के लिए मिली है. ठीक है, 2,00,000 रुपये स्पेसिफिक काम है, तो कहाँ जाएगा? कैपिटल शीट है, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में. कौन सी बैलेंस शीट में? करंट ईयर की, इस साल मिली है क्योंकि ये इस साल रिसीव हुआ है. प्रोसीड्स फ्रॉम, प्रोसीड्स ऑफ सेमिनार, सेमिनार से पैसा मिला 23,200 रुपये. रेवेन्यू नेचर की रिसीट कहाँ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में. कुछ खर्चे होंगे तो खर्चे माइनस करके नेट अमाउंट लेंगे. उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रेवेन्यू नेचर की रिसीट है, कहाँ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में. रेंट रेवेन्यू पेमेंट है, कहाँ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में. ठीक है, उसके बाद वेजेस 24,500 इनकम एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में. लाइटिंग चार्जेस इनकम एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में. अच्छा, बुक्स 24,800. बुक्स हमारी क्या होती है? असेट, बैलेंस शीट में जाएगी, कैपिटल पेमेंट है. मेडिसिन्स पोलियो एरेडिक्शन प्रोजेक्ट. अच्छा भाई देखो, हमने जो, हमें जो पैसा मिला था ना गवर्नमेंट से पोलियो एरेडिक्शन प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, उसको पोलियो को, उसको अगर जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए, उसको हटाने के लिए, तो उसके लिए जो उस पर हमने खर्चा कर दिया, उस पर दवाइयों पे खर्चा कर दिया. कितना खर्चा कर दिया? 1,00,000. तो फंड जो मिलता है ना, फंड से रिलेटेड खर्चे फंड में से ही माइनस होते हैं. अगर स्पेसिफिक काम के लिए पैसा मिला है, स्पेसिफिक काम के लिए कोई पैसा मिला है तो उससे रिलेटेड जो खर्चा होता है उसी में से माइनस होता है, बैलेंस शीट में माइनस होगा. पहले गवर्नमेंट ग्रांट दिखाई जाएगी बैलेंस शीट में, उसमें से मेडिसिन के खर्चे माइनस कर दिए जाएंगे. अच्छा, सैलरी टू डॉक्टर, ये फिर से जो डॉक्टर को जो सैलरी दी है पोलियो एरेडिक्शन प्रोजेक्ट में 80,000 रुपये, ये भी उसी गवर्नमेंट ग्रांट जो स्पेसिफिक काम के लिए जो पैसा मिला वो उसी पर्पज़ पे खर्च हुआ है, तो ये सैलरी भी वहीं से माइनस होगी. डॉक्टर की सैलरी इनकम एक्सपेंस अकाउंट में नहीं आएगी. कोई भी स्पेसिफिक फंड होता है उससे रिलेटेड खर्चा जो होता है उसी खर्चे फंड में से माइनस होता है, उसी पैसे में से माइनस होता है, ध्यान रखना. तो जो गवर्नमेंट ग्रांट मिला वो स्पेसिफिक काम के लिए मिला है, इस स्पेसिफिक पर इस पैसे को, मैं कह रहा हूँ, इस जो हमारा जो भी पर्पज़ था, जिस पर्पज़ के लिए पैसा मिला है उस पर जब हम खर्चा करेंगे तो वो सारे खर्चे इसी पैसे में से माइनस होगा, इसी फंड में से माइनस होगा, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता. ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे बढ़ो. कह रहा ऑफिस एक्सपेंस कितना है? 4,500 रुपये. खर्चा है रेवेन्यू नेचर का, कहाँ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में. उसके देखो 8% फिक्स डिपॉजिट 1 अक्टूबर 2018 को कराइए, 1,20,000 की FD हमारी एसेट होती है. अच्छा, FD इस साल करवाई होगी हमने, करेंट ईयर में कैसे पता चल रहा है? इस साल के रिसीट पेमेंट अकाउंट में दे रखी है भाई, इस साल हमने FD कराई होगी तभी तो हमारी पेमेंट साइड में पेमेंट हो रही है. तो ये हमारी अक्टूबर में कराई तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, देख लेंगे भी आंसर. 1,20,000 रुपये हमारी FD एसेट है, कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में. अगर पहले से FD पड़ी है तो उसमें जाके जुड़ जाएगी, नहीं तो नहीं आ जाएगी.
सेमिनार एक्सपेंस मैंने बोल दिया, क्या होगा प्रोसीड्स ऑफ सेमिनार में से माइनस। चाहो तो खर्चे वाली साइड में भी दिखा सकते हो, लेकिन लोग नेट करके, किताब वाले नेट करके दिखाते हो, ठीक है। और कैश इन हैंड हमारी क्या होती है, कैश इन हैंड हमारी एसेट होती है। और ये जो बैंक लिखा है ब्रैकेट में लिखा है पोलियो एरेडिक्शन प्रोजेक्ट, देखो हुआ क्या, हमें गवर्नमेंट से ग्रांट कितनी मिली थी पोलियो के लिए 2 लाख, उस पर से हमने खर्चा कितना कर दिया देखो 1 लाख रुपये मेडिसिन पे, और डॉक्टर की सैलरी भी कितना 80, तो कितना हो गया 1.80, बचा कितना। तो देखो लाइबिलिटी साइड में हमारे पास लाइबिलिटी कितने की थी, 2 लाख की, 2 लाख की लाइबिलिटी ना बैलेंस शीट में, और उस 2 लाख की लाइबिलिटी में से 2 लाख की लाइबिलिटी में से 1.80 खर्च हो चुका है, तो अभी भी कितना बचा है 20 जो पड़ा होगा लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी रिप्रेजेंट कर रही होगी, और असेट साइड में पैसा भी तो होगा, पैसा होगा तो बैंक में हमारे पैसा भी 20,000 पड़ा हुआ है। देखो जब गवर्नमेंट से सहायता मिली होगी इस साल मिली ना, तो देखो पहले मैंने बोला गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख रुपये, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, साथ साथ में मेरे पास क्या बैंक में पैसे नहीं आए होंगे, कैश नहीं आएगा क्या, तो बैंक जब गवर्नमेंट ने मुझे पैसे दिए होंगे तो पैसे नहीं बढ़ेंगे, कैश नहीं बढ़े, एक तरफ बैंक नहीं बढ़ेगा क्या, तो एक तरफ लाइबिलिटी बढ़ेगी और एक तरफ बैंक बढ़ेगा, कितना बढ़ा 2 लाख रुपये, 2 लाख की लाइबिलिटी बढ़ी, फिर मैंने उसमें से 1.80 खर्च कर दिए, तो इधर से कितना माइनस हो गया 1,80,000, तो बचा कितना 20 की लाइबिलिटी बची, और उधर से पैसा जब खर्च करूंगा तो पैसे नहीं जाएंगे क्या, बैंक में से पैसे चले जाएंगे, कितना बचेगा 20। समझ में आ गया, इसी बात को मैं सबसे पहले करके दिखा देता हूँ, बात खत्म हो जाएगी। देखो मैंने क्या बोला, कोई भी स्पेसिफिक काम के लिए जब पैसा मिलता है, तो जब उस स्पेसिफिक काम पे जब पैसा खर्च किया जाता है, तो वो पैसे, वो खर्चा, वो रेवेन्यू नहीं सका, जो भी खर्चा होता है वो उसी जो मैंने स्पेसिफिक काम के लिए जो फंड बनाया था, जो पैसा मिला था, उसमें से माइनस होगा। जैसे कि देखो गवर्नमेंट ग्रांट की बात करो, बताओ जरा गवर्नमेंट ग्रांट कितनी मिली है, गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्या है इसका, पोलियो डिक्शन प्रोजेक्ट कितना मिला बेटा, 2 लाख। इसके लिए, इस काम के लिए हमें 2 लाख मिले हैं, ठीक है जी, कितने मिले 2 लाख। और इस, अब सुनो, जब 2 लाख आए होंगे, सुनना हुआ क्या, 2 लाख आए होंगे, मैं गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख रुपए मिले, तो 2 लाख रुपए का चेक मिला होगा, तो इस तरफ क्या बैंक नहीं बढ़ेगा क्या, बैंक बढ़ेगा 2 लाख। अच्छा मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ यहाँ पर, 2 लाख वैसे नहीं आएगा, 2 लाख से समझाने के लिए ले रहा हूँ, समझना 2 लाख आए, समझना वो ऑलरेडी रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट में ऑलरेडी घटा हुआ है, मैं ऑलरेडी घटा हुआ है रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट में, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। देखो 20 कैसे बना, ये 2 लाख लिख के नहीं दिखा रहे एग्जाम में, कहीं तुम 2 लाख लिख दो, देखो हुआ क्या, अब देखो मैंने क्या किया, मेडिसिन पे खर्चा कर दिया, मेडिसिन पे खर्चा कितना कर दिया बताओ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये पोलियो एरेडिक्शन प्रोजेक्ट कितना बेटा, 1 लाख, ठीक है। और मैंने डॉक्टर के को सैलरी दी, सैलरी टू डॉक्टर, क्योंकि ये स्पेसिफिक काम के लिए था, ये फिर से पोलियो एरेडिक्शन प्रोजेक्ट वाला, कितनी सैलरी दी। अच्छा जब सैलरी दोगे, हमने, हमें 2 लाख रुपए मिले थे खर्च करने के लिए इस प्रोजेक्ट पे, उसमें से हमने कितना खर्च कर दिया 1.80, तो हमारी लाइबिलिटी कितनी की बची। अच्छा जब 1.80 खर्च करोगे, तो यहाँ से 1.80 माइनस नहीं होंगे क्या भाई, मेडिसिन खरीदोगे तो 1 लाख रुपए गए, डॉक्टर को सैलरी दी तो 80,000 और चले गए, तो टोटल कितने चले गए 1.80, तो कितना बचा 20,000। समझ आया 20,000 क्या बचा, वो जो ये 20,000 है वो हमारी बैंक में एसेट होगी नहीं होगी, बैंक में पैसा पड़ा तो एसेट है नहीं है, तो वो बैंक में हमारा सीधा कितना आ जाएगा 20,000। ये सब घटा हुआ है, मुझे घटाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा था ये 20,000 कैसे बने, ये 20,000 समझाया कैसे है, पोलियो एरेडिक्शन प्रोजेक्ट, पोलियो एरेडिक्शन प्रोजेक्ट, समझ में क्या, ये क्वेश्चन में आखिरी में बैंक पोलियो एरेडिक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है, कैसे आया 20,000 पे, ये समझा रहा था मैं। अब मैंने यहाँ घटा के दिखाया ना, समझाने के लिए समझा, वो तो ऑलरेडी घटा हुआ है। देखो जब हमें देखो कैसे घटा हुआ है, सुनो, जब हमें 2 लाख रुपए मिले होंगे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, 2 लाख रुपए आ गए, उस 2 लाख में से मैंने देखो मेडिसिन पे खर्चा कर दिया 1 लाख, और सैलरी टू डॉक्टर पे खर्चा कर दिया कितना 80,000, 2 लाख में से 80,000 चले गए, पेमेंट साइड में आना है, तो गए कितना बचा 20। समझ में 20 कैसे बने, जो 20 है वो हमारी एसेट साइड में कैसे आए हैं,
ये बात सब कुछ में आ गई, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक फंड होता है किसी काम के लिए, जब पैसा मिलता है तो फंड से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो फंड में से माइनस होते हैं, और फंड से रिलेटेड इनकम फंड में प्लस होती है। ध्यान रखना, फंड से रिलेटेड खर्चे फंड में से माइनस और फंड से रिलेटेड इनकम फंड में से प्लस, ठीक है। फंड के खर्चे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते। हाँ, ऐसा हो गया, मान लो मेरे पास जो देखो पोलियो पोलियो पे खर्चा करने के लिए कितना पैसा है, 2 लाख, और खर्चा हो गया 2.5 लाख। अगर फंड से ज़्यादा खर्चा हो जाता है तब उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट किया जाता है। जितना एक्सेस अमाउंट है, कितना फालतू हो गया, 2 लाख, 2 लाख करना था 2.5 लाख हो गया, तो फालतू दिखाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या 2.5 लाख खर्च हुआ है क्या? इस क्वेश्चन में 2 लाख मिले थे, खर्चा कितना किया, 1.80। तो अभी 20,000 की लायबिलिटी दिख रही है हमारी बैलेंस शीट में और उतना पैसा पड़ा हुआ है। कोई डाउट है क्या? समझ में आ गया? चलो जी, अब बताओ सारी बातें समझ में आ गई। सबसे पहले मैं कैश के ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कैरी कर लूँ जरा। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है, ठीक है, कितना है? और देखो हमारा करंट ईयर 31 मार्च 2019 है, करंट ईयर की बैलेंस शीट अगर 31 मार्च 2019 को बनेगी तो लास्ट की कब बनेगी, 31 मार्च 2018 को। और कैश बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है, बैंक मानना चाहो तो बैंक भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना, 31,000। इसकी जगह कैश की जगह अगर तुम बैंक लिखोगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद बताओ क्लोजिंग बैलेंस, देखो कैश इन हैंड कितना है, 26,000 लिख दो यहाँ कैश इन हैंड। कैश कितना बेटा, 26,000। प्रॉब्लम है क्या? उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ ले। मैंने एडजस्टमेंट पूरी नहीं पढ़ी थी, देखो अदर इंफॉर्मेशन में देखो क्या लिखा है। ऑन 31 मार्च 2018 यानी पिछले साल के आखिरी दिन देखो, यानी लास्ट ईयर क्या था, द क्लब पोसेस्ड बुक्स 2 लाख। अच्छा, क्लब के पास 2 लाख रुपए की किताबें थी, क्लब के पास पिछले साल 2 लाख रुपए की किताबें थी, तो यानी पिछले साल की बैलेंस शीट में एसेट। भाई लास्ट ईयर थी बुक, तो बुक हमारी एसेट होती है, तो लास्ट ईयर थी तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगी, नहीं आएगी, आएगी। चलो अच्छा, एंड फर्नीचर 85,000। अच्छा, फर्नीचर भी 85,000 का था, अगर पिछले साल 85,000 का फर्नीचर था तो पिछले साल की बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो लास्ट ईयर का फर्नीचर, लास्ट ईयर हमारे पास 85,000 का फर्नीचर था, वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट होगा। अच्छा, और प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन दीज असेट्स एट द रेट ऑफ 10%। अच्छा, इन असेट पे डेप्रिसिएशन भी लगाना है। अच्छा, कह रहा है इंक्लूडिंग द परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, इस साल कुछ खरीदा ना तो उसको जोड़कर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो लगा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो अब बताओ जरा, मेरी बात सुनो, यहाँ तो उसमें आ गया सबको क्वेश्चन में, यानी देखो एक तो फनी असेट साइड में देखो, मेरी बात सुनो, क्लब प्रोसेस बुक्स, बुक्स पे, अच्छा बुक्स हमारे पास पहले से भी थी और हमने अभी पढ़ा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बुक्स हमने खरीदी भी है, खरीदने भाई तो याद रखना बुक्स खरीदी भी है। और उसके बाद फर्नीचर पहले से इस साल हमने खरीदा क्या, अच्छा बेचा है क्या, अच्छा कोई बुक्स बेची है क्या। अच्छा एक बात, और बुक्स पहले से थी और इस साल हमने और खरीद ली, तो बुक्स पहले से जो थी वो, जो पहले से बुक्स थी वो पिछले साल की बैलेंस शीट में आएगी, और वही बुक्स, वो बुक्स बेची तो नहीं। अच्छा बेची होती तो रिसीट एंड पेमेंट की रिसीट साइड में सेल ऑफ बुक्स दिख रहा होता। क्या रिसीट एंड पेमेंट की रिसीट साइड में बुक बेचकर पैसा आया है क्या? नहीं, इसका मतलब बेची नहीं है। अगर पिछले साल बुक्स थी तो इसका मतलब वो अभी भी होगी, अगर बेच दी होती तो हट जाती, बेची तो नहीं है, इसका मतलब बुक्स है। तो लास्ट की बैलेंस में बुक दिखाएंगे, फिर करंट ईयर की बैलेंस में बुक दिखाएंगे, फिर उसमें प्लस कर देंगे परचेज, और डेप्रिसिएशन लगाना होगा तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया? उसके बाद देखो फर्नीचर, फर्नीचर पहले से कितना था, 85,000, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना, 85,000। देखो जरा इस साल के रिसीट पेमेंट में कहीं फर्नीचर बेचा है क्या, नहीं, तो इसका मतलब अभी भी होगा, तो इस साल भी फर्नीचर कितना दिखाएंगे, 85,000। कोई डाउट है क्या? अच्छा उसके बाद देखो जरा, क्या परचेज किया फर्नीचर, नहीं किया फर्नीचर परचेज तो नहीं किया, तो इस साल पुराना फर्नीचर ही, जो लास्ट ईयर फर्नीचर था वही इस साल कैरी करेंगे। डेप्रिसिएशन लगाना होगा तो लगा देंगे, लगाना है क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन। तो फर्नीचर पे एक एडजस्टमेंट है और एक बुक्स पे एडजस्टमेंट है, देख लेंगे एडजस्टमेंट किस चीज़ की, डेप्रिसिएशन की, ठीक है, निशान लगा लिया मैंने कि डेप्रिसिएशन पे एक एडजस्टमेंट है। अब उसके बाद देखो सब्सक्रिप्शन इन एरियर, अच्छा सब्सक्रिप्शन एरियर इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड 2,35,000, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था, 3,500, और एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है, 5,500 वर आउटस्टैंडिंग। क्लियर हो गया? तो ये कोई बड़ी बात है कि लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, अच्छा लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग होगा तो इस साल मिल गया होगा, और मिल गया होगा तो इस साल के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन है उसमें 1,80,000 में है। अच्छा लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इसके अंदर है, तो क्या वो इस साल की इनकम है, नहीं, तो माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर।
अच्छा, और एट द एंड में कितना है? 5500 करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है, वो इस साल का है, भले मिला नहीं तो क्या हुआ, हम एक्रुअल बेसिस पर अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, जो करंट ईयर की इनकम है इस साल से बिलोंग करती है वो प्लस, तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इस साल की इनकम है इसलिए प्लस, ठीक है। और दूसरा पेट कहाँ जाएगा? इनकम आउटस्टैंडिंग होती तो एसेट बनती है, तो इस साल की आउटस्टैंडिंग होगी तो इस साल की बैलेंस शीट में एसेट, लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग होगी तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट। तो अभी तक तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ इसमें दिखी नहीं, जो पोलियो वाला था मैंने कर दिया, यही था जो कुछ था, ठीक है। अब उसके बाद देखो जरा, ये जो कुछ है ये वाली एंट्री है, जो कुछ है सिर्फ ये वाली एंट्री है, ये बोर्ड के एग्जाम में अगर ये आती है तो बहुत सारे बच्चों से गलती होगी इसमें। देखो क्या लिखा है, द क्लब पेड थ्री मंथ्स रेंट इन एडवांस बोथ इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लब क्या करता है, 3 महीने का रेंट एडवांस में पे करता है, बोथ इन द बिगनिंग एंड एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी पिछले साल एडवांस पे किया था 3 महीने का इस साल के लिए, और इस साल एडवांस पे किया है अगले साल के लिए, ठीक है जी। अब जरा सुनो, ये बात समझनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे पता होना चाहिए, मेरा यही एक एडजस्टमेंट है जो समझने वाली है। इसके लिए बता देखो तुम्हें क्या समझना है कि हमारा करंट ईयर कब से स्टार्ट होगा, बताओ करंट ईयर कब से स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 2018 से, और ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2019 को, ठीक है जी, करंट ईयर है हमारा। अच्छा फिर अगला साल कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2019 से, ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2020। ये समझना, ये अभी आगे और यूज़ होगा और बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है। अब तो पिछला साल हमारा क्या था, 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट हुआ होगा, ख़त्म कब हुआ होगा, 31 मार्च 2000। यहाँ तो ये हमारा करंट ईयर आ गया, ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया, और ये हमारा नेक्स्ट ईयर हो गया। अब सोना क्वेश्चन की जो एडजस्टमेंट है वो पढ़ो फिर से, देखो क्या है, द क्लब पेड थ्री मंथ रेंट इन एडवांस बोथ इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। बिगनिंग का मतलब पिछले साल, बिगनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर, और एट द एंड ऑफ का मतलब इस साल, यानी क्लब ने क्या किया, पिछले साल रेंट पे किया होगा, जब पिछले साल रेंट पे किया था तो 3 महीने का एडवांस में पे कर दिया था। अच्छा पिछले साल यहाँ पर सुनना, यहाँ पर जब रेंट पे हुआ होगा, यहाँ पर जब हमने रेंट पे किया होगा तो हमने क्या किया, इस साल में 3 महीने का पिछले साल का पे कर दिया था, 3 मंथ्स रेंट, 3 महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया था, एडवांस रेंट। इसका मतलब क्या, लास्ट ईयर 3 महीने का एडवांस, 3 महीने का रेंट पे कर दिया था इस साल के लिए, एडवांस का मतलब ये ना, पिछले साल एडवांस पे किया था कब के लिए होगा, वो इस साल के लिए होगा, लास्ट ईयर रेंट एडवांस में पे किया था कब के लिए, इस साल के लिए, तो लास्ट ईयर 3 महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया था इस साल के लिए, ध्यान रखना। अच्छा अगर लास्ट ईयर का 3 महीने का रेंट इस साल के लिए पे किया था, कब पे किया था, मैं कर रहा हूँ लास्ट ईयर, इस साल तो पे नहीं किया ना। अच्छा अब जरा बताओ, अगर मेरे करंट ईयर का खर्चा, करंट ईयर का खर्चा 3 महीने का पिछले साल ही पे कर दिया था, 3 महीने का पिछले साल पे किया था, तो करंट ईयर में बचा कितना, करंट ईयर में करंट ईयर का कितना बचा, 9 महीने का, जाहिर सी बात है 3 महीने का तो पहले पे कर दिया। अच्छा करंट ईयर कितने महीने का था, 12 महीने का, 12 महीने का होता ना भाई, यानी मेरा करंट अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का, यानी करंट ईयर में मुझे 12 महीने का रेंट पे करना था, 3 महीने का तो पहले पे कर दिया, 3 महीने का पहले पे कर दिया, तो बचा कितना करंट ईयर का खर्चा, 9 महीने का, लेकिन हर साल मैं पे करता हूँ 3 महीने का एडवांस, तो इस साल भी मैंने अगले साल के लिए 3 महीने का पे किया, इस साल जब मैंने रेंट पे किया तो फिर अगले साल के लिए मैंने 3 महीने का पे कर दिया एडवांस रेंट, ठीक है जी। अब जरा सोचो मेरा क्वेश्चन क्या है, सुना, करंट ईयर में करंट ईयर का कितना पे किया, 9 महीने का, ठीक है ये पक्का है भाई, करंट ईयर में हमने कितने महीने, करंट ईयर का कितना पे किया, 9 महीने का, लेकिन ये भी तो बात है करंट ईयर में 3 महीने का अगले साल का एडवांस भी तो पे किया। अच्छा करंट ईयर में 9 महीने का तो करंट ईयर का पे किया, ये बात सब कुछ मारे, इस साल मैंने 9 महीने का पे किया, क्यों, क्योंकि इस साल का 3 महीने का तो पहले ही पे हो गया था, इस साल का 3 महीने का तो पहले पे हो गया था, अगर इस साल का 3 महीने का पहले पे हो गया था तो जो पिछले साल 3 महीने का पे गया था वो इस साल का खर्चा है, और फिर करंट ईयर के 9 महीने का इस साल का खर्चा, टोटल 12 महीने हो गए। फिर अगले साल के लिए मैंने अगले साल का 3 महीने का रेंट मैंने अभी पे कर दिया, अगले साल का 3 महीने का रेंट मैंने अभी पे कर दिया, ठीक है। देखो यानी कहने का मतलब क्या है, करंट ईयर में
मैंने 9 महीने का रेंट पे किया, करंट ईयर का 9 महीने का रेंट पे किया, और करंट ईयर में मैंने अगले साल के लिए कितना पे किया, 3 महीने का, टोटल कितना पे किया, 12 महीने का। यानी एक साल में हम 12 महीने का ही रेंट पे करते हैं, एक साल में तो हम 12 महीने का भी रेंट पे करते हैं, ठीक है, और 12 महीने में 9 महीने का करंट का पे करते हैं और 3 महीने का अगले साल का। तो इस साल के 3 महीने का कहाँ गया, वो पिछले साल पे हो गया था, पिछले साल पे किया था इस साल के लिए। यानी जो पिछले साल 3 महीने का रेंट पे हुआ था, जो पिछले साल 3 महीने का रेंट पे हुआ था वो इस साल के लिए था, और जो इस साल 3 महीने का रेंट पे हुआ है वो अगले साल का है। यानी लास्ट ईयर में जो प्रीवियस ईयर में जो मैंने 3 महीने का रेंट पे किया था वो इस साल का खर्चा है, तो प्लस हो जाएगा, इस साल का खर्चा है, खर्चा बन जाएगा इस साल। लास्ट ईयर वो एडवांस था लेकिन इस साल खर्चा बन जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर जब मैंने 3 महीने का रेंट पे किया पिछले साल, तो एंट्री होगी एडवांस रेंट टू कैश और बैलेंस शीट में एसेट साइड में होगा। फिर अब वो जो एडवांस था करंट ईयर में आते क्या बन जाएगा, खर्चा। अब एडवांस नहीं रहा, खर्चा बन गया। अब एंट्री उसको खर्चा बनाने की, एक्स रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट, एडवांस हट जाएगा क्या बन जाएगा, खर्चा। तो लास्ट ईयर के जो पिछले साल के 3 महीने के रेंट एडवांस में पे किया था वो इस साल खर्चा बन जाएगा, ठीक है। इस साल खर्चा बनेगा, पे थोड़ा होगा, पे तो पहले हो गया था, इस साल वो खर्चा बनाएंगे। एंट्री होगी रेंट टू एडवांस रेंट, खर्चा बनाने की एंट्री होगी रेंट टू एडवांस रेंट, पे थोड़ा होगा, पे तो पहले हो गया है, ठीक है। अब बात रही इस साल नौ करंट ईयर का 9 महीने का पे होगा, प्लस अगले साल का भी तो 3 महीने का पे होगा। जब अगले साल का हम 3 महीने का पे करेंगे, अगले साल का 3 महीने का इस साल पे करेंगे, एंट्री होनी चाहिए थी एडवांस रेंट टू कैश, एडवांस रेंट टू कैश है बैंक, हमने कर क्या दी, हमने एंट्री कर दी थी रेंट टू कैश, जिसकी वजह से इस साल के रेंट में शामिल है, तभी तो माइनस करना पड़ रहा है इस साल में, तो माइनस ही क्यों करेंगे। अब मेरी बात सुना, हमने पिछले साल 3 महीने का रेंट एडवांस में पे किया था इस साल के लिए, अच्छा जो लास्ट एडवांस में रेंट पे हुआ था वो इस साल का था इसलिए प्लस, जो इस साल में 3 महीने का पे किया है अगले साल के लिए वो माइनस। अच्छा लेकिन एक साल में पे तो टोटल 12 महीने का होगा या ज़्यादा होगा, बताओ कैसे, क्योंकि पिछले इस साल के 3 महीने तो पहले पे हो गए थे, तो इस साल के कितने बचे, 9 महीने के, और अगले साल के 3 महीने के मैंने और पे कर दिए, तो टोटल करंट ईयर का कितना रेंट पे किया, 9 महीने का, करंट ईयर में अगले साल का कितना पे किया, 3 महीने का, टोटल कितना किया, 12 महीने का। यानी एक साल में 12 महीने का रेंट पे होता है, एक साल में 12 महीने का, और हर साल 3 महीने का क्या होता है, एडवांस। तो अब कौन सी बड़ी बात है बताओ, रेंट कितना है इसमें, रेंट कितना है, 16,800। अगर 16,800 इस साल, देखो सुना मेरी बात, करंट ईयर में मैंने करंट ईयर में रेंट कितना पे किया, 12 महीने का, 16,800 12 महीने का, तो 3 महीने का कितना आ जाएगा, 16,800 डिवाइड 16,800 को 12 से डिवाइड कर दो, और 3 महीने का इसमें एडवांस है कितना आया, 4,200 रुपये एडवांस है। तो जैसे मैंने इस साल अगले साल के लिए कितना पे किया एडवांस में, 4,200, वैसे पिछले साल में इस साल के लिए कितना पे होगा, 4,200, क्योंकि हर साल तो 12 महीने का रेंट पे होता है, रेंट तो सेम ही रहेगा ना, हमारे एजेंसन तो ये कि रेंट पिछले साल भी होगा और इस साल भी होगा, ठीक है जी। तो 4,200 रुपये पिछले साल एडवांस पे हुआ था इस साल के लिए प्लस, और इस साल पे हुआ है अगले साल के लिए माइनस। तो ये जो एडवांस 4,200 एडवांस रेंट 4,200 ये क्या हो जाएगा, माइनस, और लास्ट ईयर इसी तरह 4,200 का वो क्या हो जाएगा, प्लस। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। यानी रेंट पे एडजस्टमेंट है, दो निशान लगा लो, क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, अब तो उठाना है और करते जाना है। देखो करें बेटा, सबसे पहले एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ नहीं बोला था, रेवेन्यू नेचर की रिसीट कहाँ जाएगी, इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में, दिखाओ भाई एंट्रेंस फीस कितना, 5,500 टोटल करते रहना, उसके बाद बताओ सब्सक्रिप्शन, इस साल में सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, 1,80,000 रेवेन्यू नेचर की इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन कितना है बेटा, सब्सक्रिप्शन 1,80,000। इसके अंदर लास्ट ईयर का जितना होगा, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग जितना इस साल मिल गया वो इस साल की इनकम नहीं है, क्या कर दो माइनस, और जो इस साल का नहीं मिला तो क्या होगा, इस पीरियड से बिलोंग करता है करंट अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करता है तो प्लस। तो बताओ लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस कितना है, लास्ट ईयर का 20,000 बोला ना, तो हम भी एरियर बुलाएंगे,
लास्ट ईयर, बताओ लास्ट ईयर का कितना है? 3500। लास्ट ईयर का 3500 माइनस, और करंट ईयर का कितना है? 5200 टोटल, बताओ आउट 5500 है, टोटल बता दो कितना है? 1,80,000। और लास्ट ईयर का इनकम आउटस्टैंडिंग होती है तो क्या बनती है? एसेट। इनकम आउटस्टैंडिंग, इनकम सर्विस देती है, पैसा रिसीव होना बाकी है, इनकम आउटस्टैंडिंग होती है तो क्या बनेगी? एसेट। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग थी तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में एसेट। तो बताओ करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट कितना दिखाऊं? कितना दिखाऊं? 1,00,000। सॉरी, करंट की बैलेंस शीट में देखो लास्ट का आउटस्टैंडिंग कितना है? 3500। तो लास्ट का आउटस्टैंडिंग लास्ट की बैलेंस शीट में एसेट। इसको यहां तो आउटस्टैंडिंग लिखना पड़ेगा या सब्सक्रिप्शन इन एरियर लिख दो। कितने बड़ा एरियर? 3500। और करंट में सब्सक्रिप्शन कितना है? 55। ठीक है जी, कोई डाउट है? यहाँ पर तो नहीं लाएगा ना, यहाँ पर आपने 20,000 लिया। क्यों नहीं लाएगा? क्योंकि हमने 20,000 की पेमेंट भी तो करी है, यहाँ पेमेंट साइड रिसीव करने सब में नीचे हो। भाई पेमेंट नहीं है, बैलेंस हो। अरे भैया बैलेंस तो उसके ऊपर है, कैश है। और ये भी बैलेंस होगा, लेकिन ब्रैकेट में दिखाते हैं पोलियो एरिडिक्शन नहीं आएगा। नहीं, पोलियो एरिडिक्शन प्रोजेक्ट पे तो खर्चा कर रहे थे वो सारा, तो वो तो कर रहे हैं, इसके अलावा भी 20,000 खर्चा कर रहे हैं ना, तो बैंक साइड में रिसीट एंड पेमेंट की दिखला रखा है। तो भाई बैंक साइड में बैंक तो ना आता है, मतलब की रिसीट एंड पेमेंट की पेमेंट साइड में बैंक दिखला रखा है ना। हाँ, उसके ब्रैकेट में क्या लिखा है? ये बैंक में ये पैसा पड़ा हुआ है बैंक में पोलियो एडिक्शन का, ये दिखा रहा होगा। अगर मैं इसको पेमेंट मानूंगा ना, ये अगर ये पेमेंट होगी तो क्या कहते हैं, इसके नाम से हो जाता पोलियो एडिक्शन प्रोजेक्ट, वो ऊपर पेमेंट है तो दो, इसलिए मैंने इसको पेमेंट नहीं माना। उन्होंने कर दिया मैच, अभी कराया था मैंने क्वेश्चन। चलो चलो देखो जरा, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? पहले तो यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ो। आगे आ जाएगा इसमें डोनेशन, डोनेशन में कोई कंडीशन अटैच नहीं है तो क्या रेवेन्यू नेचर की रिसीट है, कहाँ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में बाय डोनेशन। कितना बेटा डोनेशन कितना है? 5,000। उसके बाद देखो क्या लिखा है, लाइफ मेंबरशिप फीस। अच्छा, इस साल हमें लाइफ मेंबरशिप फीस मिली है तो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिसीट है, इस साल की बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। फीस कितना है? 25,000। उसके बाद देखो गवर्नमेंट ग्रांट मैंने कर दी ना पहले ही, गवर्नमेंट ग्रांट के मैंने एडजस्टमेंट पहले जो भी मिला था उसको मैंने सारी एडजस्टमेंट को लेके पहले सॉल्व कर दिया है गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में। आगे बढ़ो, प्रोसीड ऑफ सेमिनार, रेवेन्यू नेचर की इनकम है बाय प्रोसीड्स ऑफ सेमिनार कितने बेटा? प्रोसीड्स ऑफ सेमिनार 23,200। और इसका जो खर्चा है यहाँ से माइनस करके नेट अमाउंट दिखा दो, अगर खर्चा इधर डेबिट कर दोगे तो भी गलत नहीं होना चाहिए।
23,200 और खर्चा बताओ कितना है इस पे सेमिनार का खर्चा 20,200 एक्सपेंस 20,200 सेमिनार का खर्चा 20,200 तो बाहर कितना आ गया 3,000 नेट आ गया 3,000 ठीक है सेमिनार करवाया था उससे हमें 23,200 मिले लेकिन खर्चा हो गया 20,000 उसमें से 20,200 तो नेट इनकम कितनी हुई 3,000 उसके बाद बताओ तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इनकम है रेवेन्यू नेचर की बाई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अच्छा लेकिन याद रखना इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है इस पर मेरे को हो सकता है साइलेंट एडजस्टमेंट निकालना पड़ेगा क्योंकि डिपॉजिट हमने दे रखा है अच्छा देखना जरा 8% फिक्स डिपॉजिट इस साल हमने 8% फिक्स डिपॉजिट हमने 1 अक्टूबर 2018 को करवाया था 1,20,000 का तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने महीने होते हैं 1 अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो और हमें मिला कितना है 2,400 देखो ठीक है इसका मतलब देखो इंटरेस्ट ऑन FD फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट अगर हम निकालें कितना है 1,20,000 का कितना परसेंट 8% कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए अच्छा क्योंकि हमने अक्टूबर में FD करवाई थी तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने होते हैं तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला तो कितना आ गया 4,800 और हमें मिला कितना है इंटरेस्ट ऑन FD देखो मिला कितना है 2,400 इसका मतलब अभी भी कितना मिलना है 2,400 तो उसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल दो या एक्रूड इंटरेस्ट बोल दो एक्रूड इंटरेस्ट लिख रहा हूँ मैं आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन FD फिक्स डिपॉजिट FD लिख रहा हूँ मैं फिक्स डिपॉजिट यार जी सॉरी डिपॉजिट लिखा ना डिपॉजिट लिख दो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना है बेटा 2,400 तो बाहर कितना गया 4,800 आउटर कॉलम में 4,800 और जितना एक्रूड है वो मिलना बाकी है तो वो अभी भी असेट है ऑन डिपॉजिट प्रॉब्लम है तो बताओ 2,400 मिलना बाकी है तो इस साल की बैलेंस शीट में असेट क्योंकि करंट का बकाया है करंट में इंटरेस्ट कमा लिया लेकिन मिला नहीं हो गया आगे बढ़ो उसके बाद पेमेंट साइड में तो रेंट 16,800 रेंट में अब तो सबको पता चल गया पिछले साल जो एडवांस में रेंट पे किया था वो इस साल का खर्चा था तो प्लस और जो इस साल पे किया अगले साल के लिए वो माइनस तो बताओ टू रेंट रेंट हमारा खर्चा कितना है 16,800 माइनस कर दो इसमें एडवांस रेंट एट द एंड एंड ऑफ लास्ट ईयर लास्ट ईयर का माइनस कर दो लास्ट ईयर कितना है लास्ट ईयर का प्लस लास्ट ईयर एडवांस में रेंट मिला था इस साल के लिए तो इस साल का खर्चा इसलिए क्या होगा प्लस लास्ट ईयर हमने खर्चे की पेमेंट कर दी थी लास्ट ईयर लेकिन वो एडवांस था इस साल क्या बन जाएगा खर्चा बन जाएगा तो लास्ट ईयर जो एडवांस में रेंट पे किया था वो इस साल का खर्चा था तो प्लस कितना था 4,200 और जो इस साल मैंने रेंट में एडवांस में पे किया है वो अगले साल के लिए एडवांस रेंट एट द एंड ऑफ करंट ईयर करंट ईयर के एंड में जो पे किया कितना 4,200 वो क्या हो जाएगा माइनस ये इस साल का खर्चा नहीं है इस साल एडवांस में पे किया लेकिन अगले साल के लिए तो इस साल का खर्चा नहीं है तो माइनस तो अल्टीमेटली कितना आ गया 16,800 और जो लास्ट ईयर एडवांस था एक्सपेंस एडवांस में पे कर देते तो क्या बन जाता असेट तो लास्ट ईयर एडवांस में पे किया था तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में असेट करंट ईयर में एडवांस पे किया तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में असेट एडवांस रेंट कितना बेटा 4,200 और इस साल भी कितना है 4,200 बताओ प्रॉब्लम है क्या चले आगे इसके बाद देखो वेजेस
रेवेन्यू नेचर की पेमेंट है कहाँ जाएगी, इनकम एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में 24,500, कोई एडजस्टमेंट है इस पे? नहीं, तो टू वेजेस कितना बेटा 24,500। उसके बाद देखो क्या देखा, लाइटिंग चार्जेस कोई एडजस्टमेंट है इसमें? नहीं, तो इनकम एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में। चार्जेस कितना? 7,200। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? उसके बाद देखो बुक्स, अच्छा बुक्स पे एडजस्टमेंट थी। देखो बुक्स पहले से कितनी थी क्लब के पास, पिछले साल बुक्स कितने की थी? 2,00,000 की, और इस साल हमने कितनी और खरीद ली? 24,800, और उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाना है। क्वेश्चन ने बोला है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन दीज असेट, दीज का मतलब जो जो क्लब पे, मैं करो क्लब के पास बुक्स थी उस पर भी डेप्रिसिएशन लगाना है, फर्नीचर था उस पर भी डेप्रिसिएशन लगाना है। तो लगाओ, सबसे पहले लास्ट ईयर बुक दिखाओ कितने की थी, पिछले साल की बैलेंस शीट में बुक्स कितनी दिखाई जाएगी? 2,00,000। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में बुक कितनी? 2,00,000 की। और इस साल की बैलेंस शीट में बुक कितनी आएगी? पहले तो 2,00,000 की, दो लाख बेटा, और इसमें ऐड कर दो जो इस साल खरीदी है। इस साल कितनी खरीदी है? रिसेंट पेमेंट की पेमेंट साइड में देखो बुक्स दे रखी है, परचेज परचेज कर ली 24,000 की, 24,800, तो टोटल कितना हो गया? 2,24,800। और उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है कितना? डेप्रिसिएशन कितना है? 10%, तो कितना आ गया? 22,480। तो बाहर कितना गया? 22,480। घटा के बताओ जल्दी से, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 22,480 ना, और ये माइनस करने के बाद कितना है बेटा? 2,23,320। ऐसे ठीक है ना बेटा, सही ना? चलो आगे तो यहाँ तो कोई डाउट है क्या? अच्छा उसके बाद देखो मेडिसिन पोलियो रिडक्शन प्रोजेक्ट पे जो हमने खर्च किया वो हो गया। उसके बाद सैंड्री सैलरीज टू डॉक्टर ये भी हो चुका है। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस देखो, खर्चा है रेवेन्यू नेचर का, कहाँ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड पे, कोई एडजस्टमेंट है इस पे? नहीं। ऑफिस एक्सपेंस कितना बेटा? 45,000। और ये जो 8% FDA जो ठीक है सही ना, 45,000। अच्छा जो 8% फिक्स डिपॉजिट है वो इस साल हमने कर इन्वेस्टमेंट करी होगी, FD करवाई होगी, तो क्या लास्ट ईयर थी? तो क्या लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाऊं? नहीं, इस साल हमने FD करवाई होगी तभी तो इस साल के रिसेंट पेमेंट में है, तो इस साल की बैलेंस शीट में आ जाएगा 8% FD। प्रॉब्लम है तो बताओ, फिक्स डिपॉजिट कितना बेटा? 1,20,000। और इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके मैंने दिखा दिया, ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सेमिनार एक्सपेंस हो चुका है, कैश इन एंड हो चुका है, और बैंक बैलेंस भी जो बचा था हो गया है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, एक रह गया फर्नीचर, फर्नीचर लास्ट ईयर था और बेचा नहीं है तो इस साल भी होगा, तो पहले फर्नीचर दिखाओ कितना था लास्ट ईयर फर्नीचर? 85,000 का, और इस साल कैरी कर लो फर्नीचर, पहले फर्नीचर कितने है बेटा? 85,000, और माइनस कर दो उसमें से डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन? 10%, 8,500। तो बाहर कितना गया? 76,500। कोई डाउट है क्या? और जो डेप्रिसिएशन लगाएगा वो इनकम एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है बेटा? कितना था? 85,000।
कोई प्रॉब्लम है तो बताओ यहाँ तक, समझ में आ गया? सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, कुछ छूटा तो नहीं? देख लो सारे एडजस्टमेंट कर लिए हमने, अब क्या करना है? सरप्लस या डेफिसिट बताओ, कौन सी साइड बढ़िया रही है? इनकम साइड बढ़िया रही है, कितना है बजट टोटल? कितना आ गया? 2,03,000, 2,11,800 भाई देख लो सही है, 2,11,800 में से माइनस कर दो ये सारे खर्चे, माइनस 16,800, माइनस 24,500, माइनस 7,200, माइनस 22,480, माइनस 45,000, माइनस 85,000, कितना आया? 87,320। ये क्या आया? सरप्लस। ठीक है जी, क्या लिखोगे ब्रैकेट में? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, और जो सरप्लस आता है इस जो कैपिटल फंड आएगा उसमें जोड़ दिया जाता है। तो अभी हमें कैपिटल फंड निकालना बाकी है, कैपिटल फंड कहाँ से आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट से। फिर उसमें सरप्लस क्या कर देंगे? प्लस। ठीक है जी, सरप्लस कितना आ चुका है? 87,320। ठीक है जी, अब निकालो जरा लाइबिलिटी साइड में कुछ नहीं किया, चलो टोटल बता दो, 324,600। यही बैलेंस ही फिर क्या जाएगा? कैपिटल फंड। एनपीओ के कैपिटल को कैपिटल फंड बोलते हैं, 324,600, 324,600 प्लस करने के बाद कितना आया? 4,11,000। कितना है? 4,11,920। तो टोटल बता दो कितना है फिर बैलेंस शीट का, करंट ईयर में बैलेंस शीट का टोटल? 4,56,920। कोई डाउट है तो बता बेटा यहाँ तक। मुश्किल तो नहीं है इसमें कुछ? इसमें दो एडजस्टमेंट बहुत अच्छी थी, एक तो रेंट वाली और वो एक तो ये गवर्नमेंट ग्रांट जो मिला है पोलियो एरेडिक्शन प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखनी है, कुछ पूछना तो इसमें पूछो।